हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अज दा साडा टॉपिक हैगा नर्सिंग डायग्नोसिस ऑन अनीमिया। जिहड़ा ए वाला डायग्नोज हैगा, ये इनक्रीज बॉडी टैंपरेचर हैगा रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन मैं लिखा हुआ, ठीक है। इहदे विच तुसीं कोई भी डिसीज लिख सकते हैं, किहड़ी मर्जी डिसीज दे विच। इहदे विच तुहानूं पता हैगा वी बॉडी टैंपरेचर इनक्रीज हुंदा, उहदे अकॉर्डिंग तुसीं इहदे पॉइंट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो नूं शुरू करन तो पहलां जेकर तुसीं मेरे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करियो, ते वीडियो नूं लाइक कमेंट शेयर जरूर करियो, कमेंट करके दस्सियो वीडियो किद्दां दी लगी, ठीक है। तुहानूं होर किहड़ियां वीडियोज़ दी डायग्नोस चाहीदी है जां किहड़ी टॉपिक ते वीडियो चाहीदी हैगी है, ठीक है। नाओ इहदे विच सबजैक्टिव डाटा ते ऑब्जैक्टिव डाटा असैसमेंट दे विच हैगा नर्सिंग डायग्नोस गोल प्लैनिंग इंप्लीमेंटेशन ते इवैल्यूएशन। सबजैक्टिव डाटा, माई पेशेंट सेज वार्म स्किन मसल पेन, ठीक है। ऑब्जैक्टिव डाटा हैगा पेशेंट हैव अ फीवर, और असी पाइरैक्सिया भी लिख सकते हैं, ठीक है, पाइरैक्सिया। नर्सिंग डायग्नोसिस इनक्रीज बॉडी टैंपरेचर रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन, डिसीज कंडीशन तुसीं इत्थे कोई भी लिख सकते, जिदा कि मैं हुण अनीमिया ते बना रही हां तां इत्थे लिख सकते हां रिलेटेड टू अनीमिया, जां इनक्रीज बॉडी टैंपरेचर बिकॉज ऑफ अनीमिया। असी पहलां तीन डायग्नोज कर चुके हैगे, उन्हां दी अलग अलग वीडियो मैं प्रोवाइड कीती आ। पंज डायग्नोज मैं इनलिस्ट किए सी, उन्हां दी वीडियो भी मैं प्रोवाइड की हुई है, अपलोड की हुई है। उन्हों वीडियोज़ के लिंक मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगी, जरूर तुसी विजिट करके देखियो। गोल टू रिड्यूस बॉडी टैंपरेचर, जिहड़ा साडा गोल की हैगा बॉडी टैंपरेचर नूं रिड्यूस करना हैगा। प्लैनिंग असी की लिखांगे, इस्टैबलिश रिपोर्ट, असैस द पेशेंट्स बॉडी टैंपरेचर, चैक करना हैगा बॉडी टैंपरेचर पेशेंट का किन्ना हैगा। प्रोवाइड प्लेंटी ऑफ ड्रिंक फ्लूड प्रोवाइड करने हैं टू प्रिवेंट फ्रॉम डीहाइड्रेशन, ठीक है। इंस्ट्रक्शन द पेशेंट अबाउट टाइप ऑफ क्लोथ्स टू वीयर, पेशेंट नूं इंस्ट्रक्ट करना हैगा किदां दे क्लोथ्स उन्हें वीयर करने हैं। जिन्हों ठंड लग रही है तो मोटे कपड़े देने हैगे, जे गर्मी आ रही है तो पतले कॉटन के क्लोथ्स वीयर करवाने हैं। ऑब्जर्व इनटेक एंड आउटपुट एंड वाइटल साइंस, पेशेंट दे इनटेक आउटपुट मतलब किन्ना वो इनटेक कर रहा कोई भी चीज़ किन्नी लै रहा खा रहा हैगा, तो आउटपुट किन्नी दे रहा हैगा, एक्सक्रीट आउट किन्नी कर रहा, तो वाइटल साइन चैक कर देना चाहिए। प्रोवाइड मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द बाय फिजिशियन, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन जिहड़ा यही वाला सारा प्लैनिंग असी इंप्लीमेंट करती हैगी है, ठीक है। तो इंप्लीमेंटेशन असी की करांगे, इस्टैबलिश इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद फैमिली, ठीक है, विद द फैमिली, फैमिली के नाल रिलेशनशिप इस्टैबलिश करनी हैगी है, ठीक है। पेशेंट बॉडी टैंपरेचर इज जिहड़ा असी इत्थे ऑब्जर्व करना सीगा, रिलेशनशिप क्यों वो करनी है, ताकि असी जिहड़ी रिपोर्ट हैगी उहनूं इस्टैबलिश कर रखिए, फैमिली हिस्टरी लै सकीए, पेशेंट नूं पहलां किन्ना फीवर रहा हैगा जां नहीं सीगा जां अज ही होया हैगा, ठीक है। उस दे लई जिहड़ा बॉडी टैंपरेचर असी असैस किया हैगा 103 डिग्री फॉरनहीट हैगा, फ्लूड भी असी प्रोवाइड करता हैगा, पेशेंट नूं दस दिता हैगा भी किदां दे क्लोथ्स होने वीयर करने हैगे आ, ठीक है। इनटेक आउटपुट ते वाइटल साइनस भी असी ऑब्जर्व कर चुके हैगे आ, ते मेडिकेशन भी प्रोवाइड कर दिती हैगी अकॉर्डिंग टू द फिजिशियन, ठीक है। तो उस तों बाद जिहड़ा साडा इवैल्यूएशन की हो, रिजल्ट की निकलूगा, पेशेंट्स बॉडी टैंपरेचर इज 90 डिग्री फॉरनहीट टू 99 डिग्री फॉरनहीट 100 वी, पेशेंट इत्थे तुसी इदां भी लिख सकते हैं पेशेंट्स बॉडी टैंपरेचर इज रिड्यूस, जां तुसी इदां भी लिख सकते हैगे आफ्टर इंप्लीमेंटेशन माई पेशेंट्स बॉडी टैंपरेचर इज रिड्यूस, ये थोड़ा इफेक्टिव बना सकते। तुसी इहदे विच होर पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं हैगा भी इदां ही तुसी इन्हां पॉइंट्स नूं आपदी लैंग्वेज विच मोल्ड करके भी लिख सकते हैगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अज का यही टॉपिक सीगा, मिलते नैक्सट वीडियो के नवे टॉपिक के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।